में हम देखेंगे कि ब्रश किस तरह से चलाना है या फिर रोलर को किस तरह से चलाना है, कलर को मिक्स कैसे करना है, ये सब आप डिटेल में देखोगे। तो आप ये सब देख के अपने हाथों से ही खुद से अपने घर पे इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर दोनों जगह पे अच्छे से पेंट कर सकते हो। तो दोस्तों चलो सबसे पहले हम कलर मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 1 लीटर के अंदर हमें कितना पानी ऐड करना होता है और उसे कैसे मिक्स करना होता है। दोस्तों जब भी हम पेंट करें तो हमें कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के रोलर है, ये है स्पंज रोलर और ये कॉटन का रोलर, और फिर ये 2 ब्रश है अलग अलग, ये साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि 2 इंच 4 इंच। वैसे अभी हम वॉल पर बड़े साइज़ में करेंगे तो इसके लिए हमने 4 इंच लिया है। अगर आपके घर में छोटे से कोने पे करना है तो आप 2 इंच का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली हमें पेंट तो चाहिए होगा, और उसके बाद हमें एक पेंट ट्रे चाहिए होगा। जैसे कि अभी हमने ये आप देख सकते हो ये पूरी पेंट ट्रे लेके रखी है, इसके अंदर हम कलर मिक्स करेंगे। अगर आपको ये पेंट ट्रे नहीं चाहिए तो कोई आप ऐसा कलर का बचा हो पहले से खाली डब्बा हो 4 लीटर का वैसा, वो भी यूज़ कर सकते हो। और बाद में पानी हमें चाहिए होगा पेंट को मिक्स करने के लिए। सबसे पहले हम ये जो कलर है, जब भी हम इसके ओपन करना है कि शुरुआत करें तो उससे पहले हमें थोड़ा बंद डब्बे को ही अच्छे से हिला लेना होता है, ताकि इसके अंदर हमने अगर कोई कलर बनवाया तो थिनर वगैरह वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर मतलब केमिकल और हमारा स्टिलर है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले इसे अच्छे से थोड़ा हिला लेना होता है, और उसके बाद हमें खोलना होता है। अगर आपको पता नहीं कि डब्बा किस तरह से खोलते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हमारे पास दोस्तों ये कलर का मैंने आपको कोड बताया नहीं, यहाँ पे 8058 करके ये कलर है, और दोस्तों ऐसा कुछ है ना कि ये एप्कोलाइट यहाँ पे दिख रहा है तो ये प्रीमियम इमल्शन वाला हमारा कलर है। वही दोस्तों इसके अंदर मैंने यही सेम कलर एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों जगह पे किया था, तो उसका बचा हुआ कलर मैंने डब्बे में लिया था। उसके बाद हमें दोस्तों इसमें जितना ज़रूरत है उतना डालना है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए 1/2 लीटर जितना डाल दिया है, और बाकी जो बचा है कलर उसे साइड में कर लेता हूँ। इतने कलर के अंदर हमें पानी तकरीबन 100 ml जितना ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो कलर पतला हो जाएगा और फिर हमें उसे 2-3 कोट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए हो सके उतना हमें पानी कम डालना है। वैसे डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि आप 1 लीटर के अंदर 400 ml जितना पानी डाल सकते हो, पर वो डिपेंड होता है कि आप कलर कौन सा यूज़ कर रहे हो, इमल्शन यूज़ कर रहे हो या फिर वॉशेबल कलर यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक कलर यूज़ कर रहे हो या फिर एक्सटीरियर कलर यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से हमें सब देखना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रश की मदद से इसे अच्छे से हिला लिया है, और इसके अंदर कोई गड्ढे या फिर ऐसा कुछ रहा नहीं है आप देख सकते हो। तो इसे अभी हमारा जो वॉल है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो हम दीवार पर जाते हैं और वहाँ पे इसे अप्लाई कैसे करते हैं ब्रश की मदद से बॉर्डर वगैरह बना के वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम ये दीवार पे करेंगे, उससे पहले हम ट्रे में ये कलर है उसे अच्छे से इस तरह से ब्रश पे लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा जो कोना स्टार्ट होता है वहाँ पे ये ब्रश की लाइन है उसे इस तरह से रखना है हमें, और नीचे की तरफ इस तरह से हमें खींचते रहना है, फिर थोड़ा जाए तो उसके बाद इस तरह से खींचना है, इस तरह से हमें कंटिन्यू करते रहना है। अगर आपने कलर पतला लिया होगा तो कलर नीचे ड्रिप होना स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी हमने पतला नहीं किया इसलिए वैसे कोई कंडीशन नहीं आएगी। इस तरह से आप देख सकते हो करते रहना है। अगर आपको बॉर्डर वगैरह कट बनानी है तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको ब्रश में थोड़ा कलर लेना है, और यहाँ पे आप बॉर्डर देख सकते हो, इस तरह से ऐसे ब्रश को रखना है और इस तरह से खींचते रहना है, इस तरह से हमारी बॉर्डर बन जाएगी। मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों, आप ऊपर की सीलिंग वगैरह में डैमेज ना हो इसलिए पहले इस तरह से जितनी भी हमारी वॉल्स है वहाँ पे पहले लाइंस बना लो, यानी कि बॉर्डर को अच्छे से पहले कवर कर लो, और उसके बाद हमारा कलर करना स्टार्ट करो। दोस्तों आप कलर करने के लिए रोलर का भी यूज़ कर सकते हो, रोलर को आप अगर इंटीरियर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए स्पंज रोलर बेस्ट है, और आप एक्सटीरियर कर रहे हो तो उसके लिए कॉटन रोलर काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो अभी हम एक्सटीरियर कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो हमारा कॉटन रोलर है वो लेंगे, और दोस्तों उसकी भी सेम कंडीशन है। अगर आप कोई ऐसे बाहर की दीवार है बड़ी दीवार वहाँ पे कर रहे हो तो डायरेक्ट रोलर से भी कर सकते हो, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप रोलर से करो, क्योंकि दोस्तों रोलर से अच्छा फिनिशिंग आपको ब्रश में मिल जाता है।
पर वो कंडीशन है कि जो आप प्राइमर कर रहे हो तभी की बात कर रहा हूँ। अगर आप पेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रोलर घुमाना ही पड़ेगा। तो रोलर घुमाने से एक तो हमारे ये फायदा हो जाएगा कि जो हमारी वॉल्स है वहाँ पे हर जगह पे जो दानी या फिर ये ब्रश लाइन वगैरह है वो रोलर छुपा लेता है। उसकी वजह से हमें रोलर बाद में घुमाना ही पड़ेगा। अभी हमने आपके सामने इस तरह से किया है तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमारे इतना पार्ट करने के बाद इसके ऊपर हम हल्का सा एक बार कलर में निप करके रोलर घुमा देंगे ताकि जहाँ पे भी हमारा कोई अब नीचे भी देख सकते हो इस तरह से हमें लाइन कर देनी है। नीचे हमारी जो ख़त्म होती है रिवन वहाँ पे इस तरह से पहले हमें अच्छे से कर लेना है। यानी कि हमने एक बॉक्स बना लिया है, ऊपर लाइन कवर कर ली है, आजू बाजू की दीवार पे कवर कर ली है और बीच की जो है वहाँ पे तो हम इजीली कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें अब डैमेज होने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि जैसे ही होगा तो उसके ऊपर हम ब्रश या फिर रोलर घुमा लेंगे तो वो हमारा कंडीशन अच्छे से कवर हो जाए। तो इतना सारा पार्ट कर लिया फिर मुझे याद आया कि आपको बताना होता है कि जो ब्रश है उसे पकड़ना किस तरह से होता है। तो ब्रश को आप यहाँ से पकड़ना, इस तरह से पकड़ के आप ऐसे चालू नहीं हो जाना है या फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं करना है। ब्रश को अच्छे से दो तीन उंगली यहाँ पे रखनी है जो आगे का पार्ट है, अंगूठा ऐसे और ये वाला पार्ट है इसे हमें यहाँ पे टच करना है इस तरह से और फिर इस तरह से घुमाना है ताकि जो फिनिशिंग है वो भी आए और कलर की छिट्टी वगैरह वो हमारे ऊपर ना गिरे, कपड़े ना बिगाड़े। इसलिए अभी दोस्तों हमने ये तो एक हाथ ब्रश से कर लिया। उसके बाद बारी होती है कि जो हमारा कॉटन रोलर है उसकी वजह से हमें एक्चुअल रिवॉल्वर पर करना होता है। उसके लिए भी आप देख सकते हो इस तरह से जो हमारी ट्रे है उसके अंदर हमें अच्छे से कलर को इस तरह से ऐसा रोलर पे सब जगह पे फैला देना है। तो उसके बाद इस तरह से हमें करना है। देखो कॉटन रोलर में यह है कि दोस्तों जो लाइन्स वगैरह वो आने नहीं देती, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग हो जाता है हमारा पूरी जगह पर। पर अगर आ भी जाए तो हमें इस तरह से फिर से घुमा के उसे फिनिशिंग कर सकते हैं। और दोस्तों ये ज़्यादातर वहीं पे यूज़ होता है कि बड़ी साइड हो और वहाँ पे हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरह से हर जगह पे रोलर घुमाना पड़े। वैसे वहाँ पे हम ब्रश नहीं घुमा सकते क्योंकि उसमें टाइम एक तो ब्रश में बहुत ज़्यादा लगता है और रोलर हो तो जल्दी हो जाता है। इसकी वजह से हमें वहाँ पे रोलर से ही काम करना होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उससे एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, ब्रश से मुकाबले रोलर में काम भी जल्दी होता है और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आता है क्योंकि काम इसलिए जल्दी होता है इसके अंदर क्वार्टर है तो कलर को वो सोख के रखेगा और हर जगह पर स्प्रे फैलाएगा, मतलब लेवल में कलर देगा। ब्रश है वहाँ पर अच्छे से ऐसा होता नहीं है, कहीं भी होता